जगह में हमारी गाड़ी खड़ी होती है, ये मतलब 3,000 रुपया महीना उसमें दिया हमने, उसके अंदर 6,000 रुपया दो महीने का हो गया, वो दो महीने का पार्किंग वाला किराया मांग लिया, वो कह रहे किराया दो। अब हम बच्चों को भुखमरी में, वैसे हमने बच्चों की जेवर तक का रख के गिरवी 2-2.5 महीने के अंदर अपना कैसे दिन गुजारी है ये हमारा मालिक जानता ऊपर वाला, लेकिन हमारे लिए इस केंद्रीय सरकार ने कुछ नहीं करा, केंद्र सरकार ने करा ना इसका क्या नाम है इसका क्या नाम केजरीवाल, हाँ केजरीवाल सरकार ने हमारे लिए कुछ हर चीज का मतलब ये आश्वासन दिया सिर्फ झूठ सच के अलावा और कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हम आज तक मतलब बिल्कुल भुखमरी के डगर पे हैं। आप ये कह रहे हो कि जो केजरीवाल ने वादा किया था कि हर अकाउंट में 5,000 रुपए देंगे, नहीं मिला? नहीं मिला जी, नहीं कईयों को मिला सर, कईयों को आए कईयों को नहीं। और दूसरी बात तो ये है तो बेचारे ऑटो वाले कहाँ जाएंगे, किसी को किस्त देनी है और किसी को पार्किंग का पैसा देना, पूरे दिन के अंदर 150-200 रुपए वो पूरे कमा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा समझ रहे हैं, ये हर महीने 5,000 देना था या एक ही बार 5,000? एक बार ही देना था ये कह रहा है। अच्छा एक ही बार, तो आपको एक बार भी नहीं मिला? नहीं मिला। किस कईयों को मिला? कहना है कुछ लोगों को मिल गया, कुछ को मिला है, किसी को नहीं मिला, मिल गया बाकी। अच्छा यहाँ ऐसे भी है जो किराए पे ऑटो लेके चलाते हैं? हाँ किराए वाले भी हैं, किराए वाले ज्यादा। आपका क्या नाम है? सोमवीर सैनी साहब। आपका आपकी क्या परेशानी महसूस हो रही है? बताओ आने को किराए पर नहीं चलाते ये कहा जा रहा है कि भाई बैच वालों को भी उस समय इन्होंने कहा था बैच वालों की बैच वालों को भी देंगे, आप सब पे बैच है? बात ये है इन्होंने कहा था कि बैच वालों को लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसका अगर लाइसेंस का डेट फेल हो गया है, डेट फेल हो गया, नंबर में कोई कमी है तो उनको नहीं दिया जा रहा है पैसे। अब भाई चांस अगर डेट फेल हो गया है, लाइसेंस का मतलब नंबर कोई कमी है तो करवाएगा, तो अगला यहीं से करवाएगा ना, बंदी है तो करवाएगा, करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है ये पैसे, उनको नहीं मिल रहा है। 300 रुपये, 300 रुपये, हाँ एक टाइम का 300 रुपये किराया। अभी कुछ सवारी आने लगी नहीं लगी? कोई भी नहीं है दिन भर में, अभी अभी मतलब मुश्किल से मुश्किल 150 रुपये काम क्यों है सारा दिन के अंदर, 150-200 में काम हो रहा है। ऊपर से वो खाने से किस्त मांगता है, बड़ा दूर होके और सर मकान का किराया मांगने के लिए राजी नहीं कह रहे, अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि ठीक है आप माफ कर दो रूम किराया, तो केजरीवाल बिल और बिजली के बिल और पानी के बिल भर दे, हम माफ कर देंगे। यहाँ पे दो एक लाइसेंस है, ये बैच है, ये लाइसेंस दिल्ली सरकार ने जारी किया है। जी जी जी, हमारे पास तो आप ये कह रहे हैं कि भाई किराएदारी चलो माफ हो गई, पर बिजली का बिल पानी का बिल केजरीवाल जी भर दे, माफ करवा दो। राशन कार्ड के लिए चाहे 3 बार अप्लाई किए, हमारे जो है 3रा महीना चल रहा है लॉकडाउन को, 3 किस्तें टूट चुकी है, 3 किस्तें टूट चुकी है, अब वो EMI कैसे भरी जाएगी? फाइनेंसरों का फोन आ रहा है जी, हमारी EMI तो हम जी कहाँ से लें जी? अच्छा आप ऑटो मालिक हैं? हाँ जी, अब EMI कहाँ से भरेंगे? ये इनका क्या होता है ना, तीन जो बैंक होते हैं ना ये वहाँ से नहीं कराते, प्राइवेट फाइनेंस इनका। अब एक बार भी अगर ये किस्त टूट जाती है इनकी, एक अगर ब्याज हो जाती है तो ये चक्रवाती ब्याज लेते हैं इनसे। तो आपकी कोई यूनियन है? आप यूनियन तो बहुत है जी, यूनियन काम नहीं करती हमारी, यूनियन वाले कोई काम ही नहीं करता, यूनियन वाले तो जी अपना अपना। मुझे जावेद भाई ने बताया था, मुदित भाई भी आए हुए हैं, राकेश जी जो काउंसलर, इन्होंने भी जिक्र किया था, मेरा आपसे वादा है हम आपकी आवाज़ बनेंगे। केजरीवाल साहब जो घोषणाएं कर रहे हैं, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, जो हालात दिल्ली में अभी हॉस्पिटलों के अंदर है किसी छुपे नहीं है, बार बार वो झूठ बोल रहे हैं, हमने साबित कर दिया कि आप ऐप के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सो मैंने यही जानना था आपसे कि आपको 5,000 मिले तो आपका कहना नहीं मिले, कुछ लोग 22 तारीख को लॉकडाउन चालू हो गया, हमको 15 तारीख के चलान हो गया, तो चलान 10,000 कुछ रुपया का चलान है, तो 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, 2 महीने 2.5 महीना लॉकडाउन है, अभी कहाँ से हम चलान भरेंगे? बार बार मैसेज। राजकुमार जी,
राजकुमार जी 10,000 रुपए का चलान। 10,000 रुपए का चलान सर, विदाउट लाइसेंस का। विदाउट लाइसेंस, तो लाइसेंस उस समय था नहीं? नहीं, बनवाने के लिए दिए हुए हैं, बंद हो गया तो उसके बाद बना ही नहीं है। अच्छा, मतलब रिन्यू होना था? नहीं, हमारे पास था ही नहीं सर जी, तो उसके बाद दूर तो 15 तारीख को हमारा चलान हो गया, तो चलान 15 तारीख हो गया, अभी ये 2-2.5-3 महीना हो गया, मैसेज आ रहा है कि चलान भरो। तो लर्निंग थी आप पे? नहीं, गया हुआ था सर, कुछ नहीं था, मैं गया हुआ था, कागज वत किया, बोला कि बुधवार को आना, फार्म वार्म भर के सब तैयार कर दिया। चलाते हुए आप पकड़े गए थे? नहीं, ऑटो चलाते सर जी, हम आए हैं घरे तो पकड़े गए सर। हमारा मेन, हम कहाँ से जो सर मेन मसला जो है ना, हम अब ये सब ड्राइवर हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो पीछे से डीलरों का जोर भर रहा है कि हमारी किस्तें भरो, हम सुबह से निकलते हैं 6 बजे, इस टाइम 6 बजे निकलते हैं तो 200-250 रुपये हम कमा के लाते हैं, और उसके ऊपर हमारे घर का खर्चा भी है, बच्चों का साथ है नहीं, सब चीज़ का खर्चा है, ऊपर से हमारे पे लोड आ रहा है डीलरों का कि हमारी किस्तें दो और पीछे ब्याज के साथ दो, तो हमारे पे असल नहीं है जी। हाँ, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, मेरे पास ऑटो है, और पहले लॉकडाउन जो हुआ था उससे पहले जो है मैं 5 किस्तें भर चुका था, मेरी 6ठी किस्त जानी थी और लॉकडाउन हो गया 22 तारीख को, 22 मार्च को। अब जो है डीलर लोग कहते हैं, जोर डालते हैं कि हमारी किस्तें ब्याज के साथ पूछाओ, हमारे पास असल नहीं है खाने के लिए, तो हम ब्याज कैसे पूछाएं? हमारा तो मेन मकसद ये है सर, आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो ऐसी करिए कि डीलर लोग जो है ये 3 किस्तें हमारी जो है डिक्लेयर करें और नई इससे और केजरीवाल सर से ये निवेदन है कि ये इस चीज पे जरा गौर दें। जब उन्होंने हमारे को जारी करा था लाइसेंस ब्याज वालों को 5,000-5,000 रुपए मिलेंगे, उसमें से मिसाल के तौर पे 100% आदमी को अलाउड करा था, उसमें से सिर्फ 40% को मिला, 40% को भी नहीं मिला, आधों को मिला आधों को नहीं मिला। हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, हमने 2-3 चक्कर लगाए, फॉर्म भी भरे, उसके बावजूद भी बैंक वाले सुनने को राजी नहीं। तो हमारे को हमारी जो है ना मेन समस्या, हमारी मेन समस्या ये है कि हमारी किस्तें जो है ये माफ हो, अब जो है नया दाना पानी शुरू हो। ये जो परेशानी इसको लेके को संपर्क किया आपने केजरीवाल जी से, कोई लिखत पढ़त कुछ आपने की? नहीं, हम लोग क्या करें, ऐसा कुछ नहीं करा सर, जो हम आपसे झूठ के बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं किया, हम आपके आगे ही आए। कोई एरिया एमएलए से जिक्र किया हो, कोई उनका नेता किसी से? कोई नहीं आता, बात ही नहीं, कोई सुनने वाला कोई सुनवाई नहीं है, आपका मतलब आप पार्टी की बात कर रहे हो या आपकी बात? आपकी बात मेहरबानी। अभी आपने ये ऑटो सर, जो ऑटो ड्राइवरों की परेशानी है, अभी आपने बारी बारी सबसे सुनी। जिन लोगों के ऑटो पे केजरीवाल जी का प्रचार के बोर्ड लगे हुए थे और उनके नंबर वहाँ सेक्रेट के अंदर थे, केवल उनको पैसा आया और किसी ड्राइवर को पैसा नहीं। जिन्होंने उनका ऐड लगाया, जिन्होंने ऐड लगाया था, बाकायदा पार्टी ने ये पूरा जो पीले वाला आपको ये दिखाई दे रहा है कवर, वो पूरा आम आदमी पार्टी के जिसके भी बैनर लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे उनके, और उनके नंबर बाहर रजिस्टर्ड थे, केवल उनको पैसा दिया। आप भी ऑटो चलाते हैं? नहीं नहीं, मैं ऑटो नहीं चलाता, लेकिन ऑटो यहीं बैठते हैं हम ऑटो स्टैंड पे। सर ठीक है, आपने बारी बारी ऑटो वालों की बात सुनी, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत दुखदायक है, जिस तरह से मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की। एक बार फिर केजरीवाल साहब का जो कथनी और करनी का जो फर्क है साफ दिख रहा है। इस महामारी में, इस आपदा में देखिए, ये कानून भी कहता है कि इस तरह के लोग की आपको मदद करनी है, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। घोषणाएं तो हुई, घोषणाओं में कहा गया कि 5,000 रुपये प्रत्येक ऑटो वाले को मिलेगा, जिसके लिए भी खास तौर से कांग्रेस ने जो आवाज़ उठाई, मुहिम उठाई कि गरीबों के ई रिक्शा है, ऑटो चालक हैं, और इसके लिए निरंतर कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही थी। सो उस प्रेशर में थोड़ा बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा, जो फीडबैक आ रहा है बड़ा दुखदायक है कि कुछ उनके अपने वॉलंटियर्स टाइप जो रहे उनको तो मिल गया, अधिकतर लोग आज भी परेशान हैं। फिर उन तक हमने अपनी बात पहुंचाई थी कि जो जिनको बैज हैं, जो किराए पे ऑटो लेके चलाते हैं, मालिक और किराएदार दो लोग हैं जो किराए पे ऑटो चालक, उन्होंने कहा उनको भी देंगे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आप देख रहे हैं इतनी तादाद में लोग हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, कई तरह की परेशानियाँ हैं, इंस्टॉलमेंट का बड़ा इशू है जिन पे ऑटो हैं। तो एक तरफ लोगों से कहते हो कि आप किराया माफ़ कर दो, दूसरी तरफ उनसे भी तो सरकार को कम से कम ये अपील या उनकी मदद करनी चाहिए, जो EMI है उसका भुगतान या तो सरकार करे, इसमें राहत दे, इस लॉकडाउन के दौरान जो आपदा है।
नहीं सर, ये जो इन्होंने कहा था कि जो किराएदार हैं उनसे किराया ना दें, मालिक मकान से भी कहा था, और लोगों का भी ये कहना है कि हम बिल भी आ रहे हैं और EMI जो इनकी मंथली किस्त है वो भी मांग रहे हैं और ब्याज के साथ मांग रहे हैं, तो सर इस बारे में जरा सब देखिए, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उसको तो लागू करें। जब आपने घोषणा कर दी, नियम बना दिया कि हम 5,000 रुपये देंगे, तो सरकार इंश्योर करे। अब तक लॉकडाउन खुल भी गया है, अब तक इनके पैसे नहीं पहुँचे। यदि किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ये कौन कराएगा? ये सरकारों की जिम्मेवारी है। ये तो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, ये लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, वैसे ही सड़कों पे सवारी नहीं है, डर है, खौफ है, उसके बावजूद दोहरी मार इनके ऊपर पड़ रही है। इसके अलावा भी बड़ी परेशानियां हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट बिजली माफ की थी, लेकिन 2 महीने से रीडिंग ना होने के कारण बिना रीडिंग के जो बिल भेजे गए, मोटे मोटे बिल भेजे गए। सही बात सर, हम इसमें पहले भी मांग उठा चुके हैं, लगातार उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब आपको दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, खूब दिया आपकी बात पे, लेकिन अब दिल्ली की तो बात सुन लीजिए। आप इतने बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं लोगों के घरों पर, माफ़ी तो छोड़ ही दीजिए। हमने ये भी कहा कि आप प्लीज़ दुकानें बंद थी, मार्केट बंद थी, जो कमर्शियल मीटर है, जो दुकानें बंद हैं उन पर आप फिक्स चार्ज छोड़ दीजिए। ये ना फिक्स चार्ज माफ़ कर रहे हैं, ना बिजली के बिल माफ़ कर रहे हैं। दूसरी समस्या ये है सर, दिल्ली में 30% लोग किराए पर रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा मसला है, मकान मालिक कहते हैं किराया दो नहीं तो खाली कर दो या सामान रोक लेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि किराया माफ़ किया जाए, तो ऐसे मकान मालिकों के लिए सरकार का कोई ठोस कदम नहीं है। सही बात। देखिए, जो केजरीवाल साहब ने अपील की थी लॉकडाउन के दौरान, मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी गाँव से संबंध रखता हूँ, मैं भी इस दिल्ली का बेटा हूँ, लोगों ने श्रमिकों की काफ़ी मदद की है। जो इस तरह के कुछ लोग हैं जो किराया इस आपदा में मांग रहे हैं, मैं समझता हूं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब की अपील पर दिल्ली के हर व्यक्ति ने मदद की है, श्रमिकों की सब, क्योंकि मानव जाति का इशू था, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आपके कहने पर लोगों ने माना, तो अब उन जो किराएदार है, जो मालिक का रिश्ता है, वो रिश्ता ना बिगड़े, उनमें ना कोई डिस्प्यूट पड़े, आप ये इंश्योर करें कि उनका पैसा कब देंगे आप। आपके कहने पे किराया उन्होंने छोड़ा है, लेकिन श्रमिकों को विश्वास दिलाओ आप काम धंधे में। ये जो बिजली का मीटर का आपने मुद्दा उठाया है, ये तो सरकार के दायरे में, आप रिलायंस या बड़ी बड़ी जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, उनसे भी तो कहिए, और उसमें दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी है, दिल्ली सरकार भी अपनी हिस्सेदारी माफ करे। आपके पास आए हैं तो आप इसके बारे में सर आगे क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने आज इनकी हमने बात सुनी है, और आज का विषय भी यही है, जो हमारे भाई हैं ऑटो चालक, चाहे वो ऑटो मालिक हैं या फिर जो किराए पे लेके चलाने वाले, इनका दर्द, इनकी परेशानी, इनके सामने संकट है, घोर संकट है, इनका रोजी रोटी का भी संकट है, इनका भूख का भी संकट है। तो सरकार ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करें, और कांग्रेस पार्टी इस आवाज़ को उठाएगी। यदि केजरीवाल साहब ने इनकी नहीं सुनी तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इनकी आवाज़ बनना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो दिल्ली प्रदेश के सदर थे, इन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने इनके लिए नहीं माना तो हमें कांग्रेस पार्टी को जो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और हम लोग इनके साथ हैं। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।